प्रश्न 17, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है और रेखाखंड ए ई एवं सी एफ क्रमशः कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करते हुए सी डी से ई पर तथा ए बी से एफ पर मिलते हैं। दिखाइए कि ए ई समानांतर सी एफ। तो प्रश्न 17 में सबसे पहले जो चित्र है उसको बना लेते हैं। तो इस तरह से एक समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो यहाँ पे हम उसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज। तो कह रहा है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है और रेखाखंड ए ई एवं सी एफ, देखिए रेखाखंड ए ई एवं सी एफ क्रमशः कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करते हुए सी डी से ई पर, सी डी से ई पर यानी सी डी भुजा के ई पर, सी डी भुजा पर है, कहाँ पे? ई पर है सी डी भुजा पर। और ए बी भुजा पर कहाँ पे है? एफ पे है, एफ पर मिलते हैं। दिखाइए कि ए ई समानांतर सी एफ। तो क्या दिखाना है कि ए ई जो है सी एफ के समानांतर है। तो दिया हुआ है, तो ए ई क्या कर रहा है? कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, यानी ए ई जो है कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये दोनों कोण बराबर है। इसका मतलब हुआ जब ए ई कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कोण और ये कोण क्या है? दोनों बराबर है। समद्विभाजित मतलब कोण को दो बराबर भाग में बांट देना, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। उसी तरह सी एफ क्या कर रहा है? कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है। तो ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। ये दोनों कोण क्या है? बराबर है, क्योंकि सी एफ समद्विभाजक है कोण सी का, यानी कोण सी को दो बराबर भाग में बांट रहा है सी एफ। तो ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है। इतना समझ लिए। अब क्या सिद्ध करना है? ए ई समानांतर है सी एफ के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समानांतर चूंकि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, अतः कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी। तो ए बी सी डी क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर। तो कोण ए कोण सी बराबर होगा, कोण ए और कोण सी बराबर होगा, उसी तरह कोण बी और कोण डी बराबर होगा। तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, अतः कोण ए बराबर कोण सी। क्यों हुआ ऐसा? तो लिख लेंगे, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समानांतर समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर, ठीक है। तो कोण ए बराबर कोण सी होगा। तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, कोण ए बराबर कोण सी क्यों हुआ? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, अतः एक बटा दो कोण ए, एक बटा दो कोण ए बराबर एक बटा दो
कोण सी। तो जब कोण ए और कोण सी बराबर है तो कोण ए का आधा भी कोण सी का आधा के बराबर होगा। देखिए एक बटा दो का मतलब क्या हुआ, आधा। तो कोण ए और कोण सी बराबर है तो कोण ए का आधा और कोण सी का आधा भी बराबर होगा, तो इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, चूंकि AE एवं CF AE एवं CF क्रमशः कोण A कोण A और कोण A और कोण C के कोण सी के समद्विभाजक समद्विभाजक है। तो देखिए AE एवं CF क्या है, कोण A और कोण सी के समद्विभाजक है। तो AE क्या कर रहा है, कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। CF क्या कर रहा है, कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है, यानी AE कोण A को दो बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर। उसी तरह CF क्या कर रहा है, कोण C को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कोण C को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो ये जो कोण है और ये कोण दोनों बराबर होगा। तो जब कोण A और कोण C बराबर है तो कोण A का आधा और कोण C का आधा भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि AE और CF कोण A और कोण C के समद्विभाजक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अतः कोण EAF अतः कोण EAF बराबर कोण FCE। ठीक है, तो कोण A का आधा क्या होगा, देखिए कोण A का आधा में हम लिख सकते हैं कोण EAF, यानी ये वाला कोण, कोण A का आधा में कोण A का आधा, तो लिख सकते हैं कोण EAF, यानी ये जो कोण है इसको हम लिख सकते हैं, या इसको कोण A का आधा, ये दोनों देखिए कोण A का आधा आधा कोण है, यानी कोण A का आधा या तो इसको लिख सकते हैं या इस कोण को लिख सकते हैं, यानी कोण DAE को लिख सकते हैं या कोण EAF को लिख सकते हैं। तो कोण EAF इस कोण को कहेंगे और कोण DAE इस कोण को कहेंगे। तो कोण A का आधा में किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखे हैं कोण EAF, यानी ये वाला कोण बराबर होगा कोण FCE, यानी ये वाला कोण। ठीक है, तो जब कोण A और कोण C बराबर है और कोण A का आधा कोण C का आधा के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण EAF, यानी ये जो कोण है, बराबर होगा कोण FCE के, यानी इस कोण के। ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर हम लिख लेंगे, क्योंकि कोण A और कोण C बराबर है और कोण AE जो है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है और CF जो है कोण C को समद्विभाजित कर रहा है। तो हम लिख लेंगे कि कोण A का आधा भी कोण A का आधा और कोण C का आधा भी बराबर होगा। तो इस कोण को बराबर कर देंगे। ठीक है, या इस कोण से इस कोण को बराबर करेंगे या इस कोण से इस कोण को बराबर करेंगे, क्योंकि AE जो है कोण A का समद्विभाजक है और CF कोण C का समद्विभाजक है। ठीक है, तो हम लिखे हैं कोण EAF, यानी ये जो कोण है कोण FCE इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, इस तरह हम लिख लिए। अब इसको हम पहला लिख लेंगे, इसको हम पहला लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे चल के इसी से सिद्ध करेंगे। तो अब हम लिखेंगे कोण EAF बराबर होगा कोण
इसको हम दूसरा लिख लेंगे, तो कोण EAF बराबर होगा कोण AED के। ये कैसे? तो देखिए कोण EAF, EAF यानी ये वाला कोण, EAF बराबर होगा कोण AED, AED यानी ये कोण। देखिए तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? क्योंकि ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होता है? समानांतर। तो AB समानांतर होगा DC के। देखिए AB किसके समानांतर है? DC के। तो AB DC के समानांतर है, और AE क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो एकांतर अंतःकोण से ये जो कोण है और ये कोण बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि AB समानांतर है DC के और AE क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो देखिए एकांतर कोण बना रहा है ये दोनों, क्योंकि AB समानांतर है DC के और AE एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या बना रहा है? एकांतर अंतःकोण। तो कोण EAF बराबर होगा कोण AED के, यानी ये दोनों कोण बराबर होगा। तो जब ये दोनों कोण बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, देखिए ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। तो अब हम लिख लेंगे कोण EAF बराबर कोण AED क्यों बराबर हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण चूंकि AB समानांतर DC तथा AE तिर्यक रेखा है, ठीक है, तो कोण EAF बराबर कोण AED क्यों होगा? क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, क्योंकि AB समानांतर है DC के और AE क्या है? तिर्यक रेखा है। तो EAF यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, क्योंकि AB समानांतर है DC के और AE क्या है? तिर्यक रेखा। तो इस तरह हम लिख लेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा? देखिए पहला में क्या है? कोण EAF किसके बराबर है? कोण FCE के। और कोण EAF किसके बराबर है? कोण AED के। यानी कोण EF FCE के भी बराबर है और कोण EF, देखिए ये दोनों कोण EF EF, तो कोण EF कोण FCE के बराबर है और कोण EF कोण AED के बराबर है। तो कोण AED और कोण FCE ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोण, क्योंकि इसमें देख लेते हैं। तो कोण EF, देखिए कोण EF यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिख लेंगे अतः पहला और दूसरा से कोण AED बराबर कोण FCE। तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा? कोण AED बराबर कोण FCE। लेकिन अब लिखेंगे लेकिन कोण AED और
कोण एफ सी, लेकिन कोण ए ई डी और कोण एफ सी संगत कोण है? लेकिन कोण ए ई डी और कोण एफ सी क्या है? संगत कोण है। अतः ए ई समानांतर सी एफ, अतः ए ई समानांतर सी एफ। तो देखिए कोण ए ई डी, कोण ए ई डी यानी ये वाला कोण, और कोण एफ सी, एफ सी ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया पहला और दूसरा से, ठीक है। ये कोण देखिए, ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो गया, तो लेकिन ये तो संगत कोण है, लेकिन ये तो क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोण के अनुसार क्या हो जाएगा, ए ई समानांतर, तो क्या सिद्ध करना था, ए ई समानांतर सी एफ। देखिए ए ई समानांतर सी एफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर आ गया, लेकिन ये दोनों तो संगत कोण है, तो ए ई और सी एफ क्या हो जाएगा, समानांतर। तो यही सिद्ध करना था, ए ई समानांतर सी एफ। तो इस तरह से प्रश्न 17 हल करेंगे।